ये जो डिग्रियां हैं मेरी, ये किस लिए? ये पीजी इकोनॉमिक्स किस लिए? ये पीजी इकोनॉमिक्स मुझे बोलो किस लिए, कहाँ पे है? यहाँ पे है। अगर ये डिग्री मेरे, अगर ये डिग्री जो है, अगर ये मेरी फैमिली को रोटी नहीं दे सकती, ये तो डिग्री किसी काम की नहीं। ये पीजी इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में से मैंने थ्रू रेगुलर मोड किया है। आप देख सकते हो थ्रू रेगुलर मोड किया है पीजी। अगर ये मुझे नहीं, रिसेंटली आपको मैं दिखाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने एक साल इसमें प्रेपरेशन किया, बेड पे प्रेपरेशन, तो अब मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा। चलो भाई, कहाँ जाऊंगा, कैसे प्रिपेयर करूंगा दूसरे एग्जाम के लिए? क्लास फोर तकरीबन 50,000 के कैंडिडेट्स जो है ऑलरेडी रिक्रूट हुए अंडर SRO 99, तो उनसे ऐसा एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? हमारे साथ ये सोतेला सलूक क्यों? अगर गवर्नमेंट ऑन द फुट है तो हम उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो जो 50,000 आपने रिक्रूट किया उनको टर्मिनेट करो। क्यों इंजस्टिस कर रहे हो हमारे साथ? क्या हाई क्वालिफाइड होना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुर्म है? ये राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनकी बिल्कुल दिन दहाड़े वायलेशन है। आर्टिकल 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे है इक्वल अपॉर्चुनिटी? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। और SSB का चेयरमैन कह रहा है कि हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट के साथ, तो आप ये ऑर्डर क्यों देते हो? जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनको इन करो, वो कौन सा इंसाफ करेंगे? वो हमसे टेक्निकल और स्किल पुलिस रिसेंटली JKSSB ने क्लास फोर का एक प्रोविजनल लिस्ट निकाला, और उस लिस्ट की नोटिफिकेशन में उन्होंने एक क्लॉज मेंशन किया कि आपने एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना है, जिस एफिडेविट में आपने ये मेंशन करना है कि मैं हाई क्वालिफाइड नहीं हूँ। और ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर अगर हमें ये पता चलता है कि आप हाई क्वालिफाइड हो, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। और हमने ये प्रोटेस्ट उसी एफिडेविट क्लॉज के खिलाफ किया है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनसे ये रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाहते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशन एफिडेविट आपने वाजगाब किया कि हमें प्रोड्यूस करना है, इसको वापस लो। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट हुई है ये SRO 99 ऑफ 2008 के अंडर हुई है, और SRO 99 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्लास फोर वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th रहेगी और मैक्सिमम 12th रहेगी, और हाउएवर हायर क्वालिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा वैटेज नहीं दे दी जाएगी। और 2008 से लेकर आज तक इसी SRO के अंडर रिक्रूटमेंट होती आ रही है, और वो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब अगर आज के डेट में हमसे ऐसा एफिडेविट मांगा जाता है, तो नाम आसिफ है, मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रिसेंटली जो सिलेक्टेड क्लास फोर्थ का लिस्ट आया उसमें अपियर हो रहा है। तो अभी जो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जो निकाली गई है, तो उसमें एक क्लास दिया गया है कि आपको ये जो है कि अंडरटेक करना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, तो विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बात रही नोटिफिकेशन की, जब नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी तो एलिजिबिलिटी जो होगी इसमें वो अंडर SRO 99 2008 के तहत होगी, और अंडर SRO 99 2008 जो है उसके तहत ऑलरेडी 50,000 कैंडिडेट्स जो है ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा है, तो वो ऑलरेडी अपॉइंट हुए हैं जो हायर क्वालिफाइड है, जो PhD है उनमें कुछ। तो अगर उनको आपने अलाउ किया, अगर उनसे आपने कोई एफिडेविट नहीं मांगा, तो हमसे क्यों मांग रहे हो एफिडेविट?
भाई हमारे पीछे भी कोई फैमिली है, हम भी दो वक्त की रोटी देना चाहते हैं हमें। अगर आप अगर हमारी डिग्रियां ये जो है मेरे बैग में, अगर आप ये हमारी डिग्रियां देख रहे हो, अगर ये मेरे फैमिली को रोजगार नहीं दे सकती है ये डिग्रियां है, तो हम क्या करेंगे इन डिग्रियों का? आप मुझे बोल दो, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कॉम्पिटिशन इतना हाई है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कहाँ है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेते हैं हमें 7,000 देते हैं, 7,000 में क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर उतना डेवलप नहीं है जो यहाँ पे इस यूथ को, हाईली क्वालिफाइड यूथ को एब्जॉर्ब करे।